So guys, this is Kamil and you're watching के production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है बिना किसी ग्रीन स्क्रीन से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो. तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आज को इस वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर. तो इस वीडियो एडिटर एप्लीकेशन का नाम है बिबाकाट. इसके अंदर आप बहुत इजीली अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो. तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलता है आपको. यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे. इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से इमेज का ऑप्शन मिलता है, आप इमेज के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना. लाइक आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, आप ग्रीन कलर का कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो या फिर आप कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोई एडिटिंग बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हो. तो इस टाइप का बैकग्राउंड आपको काफ़ी सारा गूगल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके कोई भी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हो. तो मैं इस बैकग्राउंड को जो है गूगल से डाउनलोड किया, तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ. एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है. एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे. तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है. सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन उसको आपको बड़ा कर लेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लाइक आप इसका टाइम ड्यूरेशन कितना मिनट बड़ा करना चाहते हो या कितना सेकंड, उसी के हिसाब से आप बड़ा कर लेना. एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैनवास, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसका एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो. जो भी एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो है या बनाना चाहते हो तो आप उससे एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओवरले, आप इस पर क्लिक करना. इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ से अपना वीडियो ऐड करना है, जिस वीडियो का बैकग्राउंड आप रिप्लेस करना चाहते हो. तो यहाँ से हम अपना जो वीडियो उसको ऐड कर लेते. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा वीडियो कौन सा वीडियो हम ऐड करें. तो यहाँ से मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. सो मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हो. सबसे पहले वीडियो को आपको जूम कर लेना है पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से. सो आप अपने हिसाब से जूम कर लेना. तो मैं कुछ इस तरीके से इसे जूम कर लूँगा. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है एफएक्स प्लगइन, आप इसके ऊपर क्लिक करना. एंड एफएक्स प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर किंग नाम का एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो. सो आप सिंपली किंग के ऊपर क्लिक करेंगे, KEYNG, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में चेंज हो जाएगा. सो अभी आप देख सकते हो इस वीडियो का जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो गायब हो चुका है और हमने जो बैकग्राउंड ऐड किया था उसी बैकग्राउंड पर हमारा वीडियो आ चुका है. सो यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक आने के बाद मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ. सो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है. मैं यहाँ पर आपको एक और वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ. सो इसका टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले हम थोड़ा और बड़ा कर लेते ताकि यहाँ पर हम एक साथ में दो वीडियो को ऐड कर सके, ठीक है. तो अगेन आपको यहाँ पर ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना वीडियो ऐड कर लेंगे. तो यहाँ से हम अपना दूसरा वीडियो ऐड कर लेते, जैसे कि इसको ऐड कर लेते, ठीक है. सो ये वाला वीडियो मैंने सिलेक्ट किया, डन के ऊपर क्लिक करना है. तो हमारा ये वाला वीडियो आ चुका है. तो यहाँ पर आपको आना है. सो इसको आपको क्या करना है, अपनी पूरे स्क्रीन पर जूम कर लेना है, ठीक है. सो जितना जूम करना चाहते हो उसी के हिसाब से जूम कर लेना. तो मैंने अपने हिसाब से जूम कर लिया एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एफएक्स प्लगइन, आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगेन किंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो चुका है. सो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो का जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था उसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड वो गायब हो चुका है और जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया था उसी बैकग्राउंड पर हमारा ये वाला वीडियो आ चुका है. तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर. और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि विदाउट ग्रीन स्क्रीन आप कैसे अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. सो अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना जो वीडियो उसको सेव कर लेना है. इसके लिए आप इसको ना पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कौन सी क्वालिटी में इसे सेव करना चाहते हो, जैसे कि आपको 1080p मिल जाता है, 2K रेजोल्यूशन मिल जाता है, 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है. तो यहाँ से हम जो FHD को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी सही क्वालिटी है, आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा 1080p के अंदर ही. तो हम 1080p के ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपका जो वीडियो है कुछ इस तरीके से सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर. तो आप देख सकते हो.
तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।